सर कभी गिल्ली डंडा खेला है आपने? खेला है, खेला है, खेला है। पिट्ठू, गिल्ली डंडा सब कुछ खेला है। वाह जी, मैं तो सुना था कि नवाब लोग ज्यादातर गोल्फ खेलते हैं। ये तो हम भी गांव में बड़े हुए हैं यार, वो तो साइकिल को वो पहिए के साथ डंडे के साथ वो भी खेला है। वो करना चाहेंगे आप? हां जरूर, बोल ले क्या। अरे हमने सोचा था एक्चुअली, यार आपने हमारे मुंह की बात कह दी। इससे क्या हमारी टीआरपी बढ़ती है कि छोटे नवाब टायर चलाते पकड़ के। आइए सर, आइए, इस एक ही तरफ से रेस लगाते हैं ना। अर्चना जी एक सेकंड, आप 1 2 3 स्टार्ट करेंगी? ओके, 1 2 3 गो। क्या बात है सर, यू डिड इट लाइक अ प्रो। तो सर ये जो जनता के क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, आइए पधारिए। तो सैफ सर से हमारी बातें होती रहेंगी, फिलहाल बुला लेते हैं फिल्म जवानी जाने मन में दूसरे अहम किरदार निभा रहे कलाकारों को। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हम सबकी फेवरेट, बहुत ही प्यारी वर्सटाइल एक्ट्रेस तब्बू जी, और साथ में फरीदा जलाल जी, और उनके साथ आ रहे हैं मिस्टर चंकी पांडे और कुबरा सैफ, और इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही अलाया फर्नीचर वाला। तब्बू जी यहाँ आइए ना आप। सॉरी, इतनी दूर क्यों? आप वेट कर रहे थे कि आप कब बुलाएंगे कि मेरे पास आके बैठ जाओ। तब माइक लगा ले, माइक लगा हुआ है। तो ये क्यों पकड़ी हूँ मैं? आपको देख के देखो कुछ, बस आप कॉमेडी कोई कर नहीं सकता। मैस्मराइज हो गई मुझे देख के। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंकी सर, कुबरा, फरीदा जी नमस्कार, अलाया बहुत बहुत वेलकम आपका। तब्बू जी थैंक यू, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। मैंने सुना है बेस में बोलो ना तो लड़कियों को अच्छा लगता है। बकवास। मैं आपसे ऑलरेडी इंप्रेस हूँ सर। मैंने मेरी शादी में तब्बू जी का फोन किया तो हंसी जा रही है, हंसी जा रही है, तुम्हारी शादी हो रही है? मैं कहा मेरी नहीं हो सकती। बोलते नो। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा हम तो गरीब आदमी है, हमारी आपसे तो हो नहीं सकती। तो हम तो बस भाई क्या करें। तो बड़ी क्यूट लगती हैं आप, बड़ा हंसती है ना तो अच्छा लगता है, इसलिए आपके शो पे बार बार आती हूँ मैं। देखिए आते रहा करें आप, जरूरी थोड़ी ना फिल्म आए तभी आए, वैसे ही आप आ करें आप। सच्ची नहीं, ताकि मैं आ सकूं इसलिए मैं आजकल ज्यादा। वेरी गुड, वेरी गुड, हम आपके फैन है, हमेशा देखना चाहते हैं। बाकी चंकी सर क्या किस्मत चल रही है आपकी? रियली दिन तो इनके चल रहे हैं। इतनी खूबसूरत हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं आप, ऊपर से तीसरी बार कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला। 6 महीने में 3 बार इस सीजन में। तो आपको पता है आपकी ये कामयाबी देखकर बैंक आपको बिना किसी गारंटी के लोन दे सकता है। तब अरे आपको पता है बैंक वालों को अर्चना जी बोलते हैं कि चंकी मेरा दोस्त है, आपके नाम पे लोन ले लेती हैं। नॉन रिटर्नेबल लोन। चंकी को वो चाहिए, लोन नहीं चाहिए उसे, खाली पैसा चाहिए। पर दे दो, वापसी की बात मत करो। वैसे हम आपका ट्रेलर देखा, बड़ा ही मजेदार फिल्म लग रही है जवानी जन में, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा खूबसूरत लड़कियों को देख के जवानी तो समझ में आ रही, फिल्म में जाने मन कौन है फरीदा जी? Yes, फरीदा जी जाने मन है। फरीदा जी तो हैं सबकी जाने मन। फरीदा जी जाने मन। एक्चुअली जवानी ही इनकी जाने मन है। इनकी जाने मन है। तो ये क्योंकि जवानी को बहुत मतलब प्यार करते हैं। ऑल अबाउट द जवानी बेसिकली। अरे चकी सर क्या आपका क्या किरदार है फिल्म में? मैं एक नाइट क्लब का मालिक हूँ। ओके। और सब लोग को फ्री में दारू पिलाता हूँ, तो बहुत जल्दी कंगला भी हो जाता हूँ। कितना अच्छा लगेगा आपके सब दोस्तों को देख के कि आप सबको मुफ्त में दारू पिला रहे हैं, बिल्कुल उल्टा आपके करेक्टर के। ऐसा कब होगा चंक? सैफ सर को फिल्म में उनकी जो माँ है वो गलत समझ लेती हैं। कभी कभी ऐसा होता है अक्सर हम लोग किसी को गलत समझ लेते हैं कि जैसे तब्बू मैम आप इतनी प्यारी हैं, किसी को भी देखती इतना प्यार से देखती हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को वैसे प्यार से देखा और वो पीछे पड़ गया हो आपके? ऐसे फैन कभी हैं? फिर आप क्या बोलती हैं उनको जो ऐसे पीछे पड़ जाए कोई? उस हिसाब से हम तैयारी कर लें।
अगला सवाल. ओके, ये तो ये कुछ सवाल नहीं था, ऐसे मन में आया था. अच्छा, अभी सैफ सर को फरीदा जी गलत समझ लेती हैं कि अरे कहीं तुम गए तो नहीं. बहुत बार मैंने जैसे यही सवाल पूछा, सर कभी कभी ऐसा होता है रियल लाइफ में, आपने किसी को कोई बात बोली और उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया, कभी ऐसा आपके साथ होता है? हालांकि आप इतने स्वीट है. बहुत बार हुआ ऐसा, ज्यादातर इंटरव्यूज में. अच्छा. अच्छा, सैफ भाई पे ना बड़ी लड़कियों का क्रश है. अलाया, आपकी ये पहली फिल्म है सैफ सर के साथ, और आपको ये सोच के ये नहीं लगा कि यार अरे सैफ पे इतनी लड़कियां मरती हैं और मेरी बारी आई तो मेरे पापा बना दिए, आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, मैं काफी फ्लैटर्ड थी. और हाँ, एक्चुअली मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं. कह दो. कल हम प्रमोशंस कर रहे थे और बहुत सारे लोग सैफ सर को आके कह रहे थे, ओ माय गॉड सैफ सर, माय मदर इज सच अ बिग फैन ऑफ यू. और सैफ सर कह रहे थे कि मदर, व्हाई इज एवरीवन्स मदर अ फैन? और फिर वो कहे व्हाटएवर पेज द बिल्स. चार बार हुआ यार. प्लीज बिफोर वी गो वी नीड वन पिक्चर फॉर माय मदर. Time marches on. But you're cutting across generations, na? I don't mind. Very happy. ये तो बहुत अच्छी बात है. Thank you. अरे कुबरा के साथ मैंने बहुत सारे लाइव शोज किए हैं जब मैं बहुत लाइव शोज करता था. 8-10 साल पहले हमने बहुत लाइव शोज किए हैं. पर अच्छा, तब मुझे पता नहीं था कि कुबरा इतनी अच्छी एक्ट्रेस है. कुबरा, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक. थैंक यू सो मच. हमने इतने शोज किए, कभी तुमने बताया नहीं तुम किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखती हो. आपने कभी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं किया कपिल? तो सिर्फ मेरे लिए रिजर्व्ड है. क्या ये गलत बात है? दिस इज रॉन्ग. तो मैं फिर पक्का समझू? ये फ्लर्टिंग ना कपिल की कैमरा के लिए रिजर्व्ड है. अच्छा, लाइव शोज में नहीं खर्चा करती? हाँ. नहीं. पर मेरे को सीरियसली लेता कोई? किसी को अगर बोल भी दिया बहुत प्यारी लग रही, ये सो क्यूट, चल. क्यों, आपकी शादी तो हो गई ना, मतलब आपकी वाइफ ने आपको सीरियसली लिया है ना किसी पॉइंट पे? तो किसी पॉइंट पे, किसी मतलब पॉइंट. अच्छा कुबरा, लेकिन आपका तो सुना था आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं एक्टिंग में. कहीं पे आपने बोला है खुद ही कि मेरा तो इंटरेस्ट नहीं था. मतलब मुझे पता नहीं था कि अगर मौका मिलेगा तो मैं कर भी लूंगी, इसीलिए. अच्छा. तो जो मौका मिला मैंने किया. जैसे कि पहली फिल्म में तो मैंने मेड का रोल किया था ना, मुझे पता नहीं अगला मौका मिलेगा या नहीं. हाँ, तो जो मौका मिला मैंने किया. सच. और फिर जो, हाँ तो मतलब यार, दैट्स अमेजिंग. वो हो, Hey, I'm going. Hi. अर्चना जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है. How are you? I'm good. यार कपूर शर्मा क्या कर रहे हो यार, पूरी कास्ट को बुलाया फिल्म की, मुझे नहीं बुलाया. एक तो पहले पेट साइड पर रख के बात करो मेरे साथ. आपको किस लिए बुलाए हम? किस लिए बुलाए, क्या होता है? मैं फिल्म में हूँ. किकू भी इस फिल्म में है और इस बार फिल्म में इंटरवल नहीं है. क्यों? इनका सीन इसलिए रखा गया, अगर आपको कोई बाथरूम में तुम जाना हो तो इनके सीन में जा सकते हैं. कपू, ट्रीट मी लाइक ए सेलिब्रिटी यार. बस देखो, you're fantastic in the movie. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही. Thank you. लेकिन सर ये देखिए ना, ये कपूर शर्मा इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है मुझे, ये मैं खुद कर लेता हूँ. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कपूर शर्मा शो की जान. अक्षय यादव और बच्चा यादव का कैरेक्टर निभाने वाले, शो की टीआरपी को 4.1 तक पहुंचाने वाले. कप्पू को पीछे छोड़ के खुद आगे निकल जाने वाले जानदार शानदार बेहतरीन कलाकार टीकू शारदा. थैंक यू.